word must or ought to, इन तीनों का कंपैरिजन इसलिए होता है कि इनकी सेंसेस आपस में थोड़ी 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 सिचुएशनली मिलती जुलती होती हैं। कैसे? अगर कोई हमसे पूछ रहा है शुड का हिंदी मीनिंग क्या है, तो शुड को हिंदी में कहते हैं चाहिए, मस्ट को हिंदी में कहते हैं पक्का चाहिए, और ऑट टू को भी हिंदी में कहते हैं चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो तीनों में सेम सी फीलिंग आ रही है, चाहिए चाहिए चाहिए। अब सरकारी नौकरी हमें चाहिए, अब इन तीनों में से किसी एक में वो फिट होना चाहिए, चाहे तो वो शुड हो, चाहे वो मस्ट हो, चाहे वो ओट टू हो। अब हमें जब इन तीनों का डिफरेंस करना होता है, एक बच्चा कह रहा है सरकारी नौकरी चाहिए, मैं ओट टू आना चाहिए, आंसर गलत है, सरकारी नौकरी चाहिए, मैं ओट टू नहीं आ सकता। वही सिचुएशन समझाना मेरा काम है, ध्यान से सुनो मेरी बात। इंग्लिश कह रही है शुड आपको हर उस जगह पे यूज करना होता है जहां आप अनुभव या उम्र से कही गई किसी बात को दिखा रहे हो। या तो आप अनुभव से भरी कोई बात कह रहे हो, या आपकी उम्र ज्यादा है और आप छोटे को कुछ सिखा रहे हो, इस टाइप के सेंटेंसेस में तो हम लगा देते हैं शुड। ओट टू कहां पे आता है? जब हम नैतिकता मोरालिटी से रिलेटेड कोई चीज किसी को समझा रहे होते हैं, मोरल वैल्यूज समझते हो, मोरालिटी नैतिकता जिसको समाज कहता है सही या गलत, दे आर योर मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यू अगर दिखानी है तो लगता है ओट टू, अगर अनुभव या उम्र की मदद से कोई बात कहनी है तो लगता है शुड। अब हमारा बच्चा इन दोनों में भी डिफरेंस कैसे करे कि वो मोरल वैल्यू है या वो सलाह लग रही है? सीधा सीधा सा पता लगता है सेंटेंस पढ़ते ही। जैसे कि एक तो मैं सेंटेंस कहूं यू डैश वर्क हार्ड, और एक मैं सेंटेंस कहूं यू डैश रेस्पेक्ट योर टीचर पेरेंट्स एल्डर, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं टीचर की जगह खड़ी हूं तो मैंने टीचर लिख दिया। अब ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ के सलाह की फीलिंग आ रही है या नैतिक शिक्षा लग रही है? एक आधा कह रहा है नैतिक शिक्षा, ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, ये 110% सिर्फ और सिर्फ सलाह है। आपको उम्र की मदद से ये सिखाया जा रहा है कि मेहनत कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, अनुभव की मदद से ये कहा जा रहा है कि मेहनती लोग कुछ बन जाते हैं, मेहनत करो, तो ये हमारी सलाह है, और सलाह है तो यहां पे आंसर क्या हो गया? जबकि नीचे वाले सेंटेंस में हमें सलाह नहीं दे रहे, ऐसा हमें करना ही चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी ही चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना ही, इट इज नॉट अनुभव की वजह से हम आपको सलाह दे रहे हैं, ये आपका धर्म कर्म कुछ कह लो वो बनता है। और इस तरह की फीलिंग देने वाले शब्दों में हमारा आंसर क्या होता है? ऑट टू। अब दुख की बात ये है कि आजकल इस तरह के सेंटेंस में भी धक्के से शुड लगता जा रहा है, दुनिया भर की जगह पे आप शुड देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे और लगेगा भी सही, क्योंकि हम उसको मान लेंगे भाई शुड मतलब चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। अब यही तो फर्क मैं समझा रही हूं, कौन सा चाहिए कब आएगा। नैतिकता के लिए अगर चाहिए लगाना है तो ओट टू आएगा, सलाह के लिए अगर चाहिए लगाना है तो शुड आएगा। समाज में चल रहा हो चाहे कुछ, हमारा एग्जामिनर नंबर देता है लॉजिक्स और रूल के, शब्द की सेंस के नंबर आएंगे। वो बात अलग है कि हमें ऑप्शन में ओट टू मिला ही नहीं तो मजबूरी है भाई, फिर तो शुड लगाएंगे ही हम। अगर ओट टू ऑप्शन में है ही नहीं तो आंसर तो चुनना है हमने, चारों में से कोई ना कोई मॉडल ऑक्सिलरी अगर हमें चुननी है तो ओट टू की जगह पे सबसे बेस्ट जो चुना जाएगा वो शुड ही होगा। पर अगर ओट टू और शुड एक साथ ऑप्शन में आए ना तो नंबर ओट टू के आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन में शुड के नंबर नहीं आएंगे बेटा। तो आपने अपने क्वेश्चन को ये देखना है कि मोरालिटी की तरफ झुक रहा है या सलाह की तरफ झुक रहा है। मोरालिटी की तरफ इशारा करे आपका आंसर सिर्फ ओट टू होगा, और सलाह देता जैसे लगेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। शुड मस्ट और ऑट टू, क्या हमें शुड और ऑट टू का डिफरेंस समझ आ गया? अब मस्ट की हिंदी हमें कही जाती है जो चीज हमें पक्का पक्का चाहिए। अब यहां पे भी झगड़ा ये हो जाता है कि भाई माँ बाप का सम्मान भी ऐसे तो पक्का करना चाहिए, वहां पे ऑट टू क्यों? ये भी तो निश्चित है, कुछ लोगों की तो मजबूरी भी है, करना पड़ता है, चाहते नहीं है फिर भी करना पड़ता है, टीचर्स के केस में भी करना पड़ता है। बड़े सारे बच्चे सड़क से जा रहे होते हैं, नजर नीचे झुका लेंगे, नमस्ते करनी पड़ेगी, भाई नजर नीचे करो साइड से गुजर जाओ, तो उनके लिए नमस्ते करना क्या एक मजबूरी है, करना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, नजरें मिल जाए टीचर दिख जाए।
तो बहुत से बच्चे इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि मैम मजबूरी तो फिर ये भी हो सकती है, यहां भी मस्ट लगाओ, यहां ओ टू क्यों आ रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर एग्जामिनर हमसे मस्ट लगवाना चाहता होगा, अगर एग्जामिनर ये चाह रहा है कि इसको हम मजबूरी दिखाएं या इसको हम कंपल्शन दिखाएं, तो वो हमें सेंटेंस के अंदर हिंट देगा। किस तरह के हिंट देगा? जैसे कि अगर एग्जामिनर चाह रहा है हम इस सिचुएशन में मस्ट लगाएं, तो हमें मजबूरी का सबसे पहले क्या बात कह रही हूं, क्या मिलेगा? हिंट मिलेगा। या फिर मैं ये कह रही हूं, हर उस चीज को मस्ट माना जाता है जिसमें ना करने की अवस्था में या तो पनिशमेंट हो और या फिर फाइन हो। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? मस्ट हम तब लगाएंगे जब वो काम करने की अवस्था में, मतलब सपोज हमें कोई काम दिया, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ना करने की अवस्था में या तो बदले में क्या हो, सजा। जैसे मैंने उस बच्चे को भी क्या बोला, अगर आप इस बेंच पे नहीं दिखोगे तो आपके लिए क्या है, सजा। मस्ट है उसके लिए उस बेंच पे बैठना। आप अगर हमें सेंटेंस में ये हिंट मिल जाता है कि सजा है ना करने पर, सजा नहीं तो फाइन है ना करने पर, जैसे मैंने अपने स्टाफ के साथ कर रखा है, जो हरियाणवी बोलेगा उसको फाइन देना है, टीचर्स और नॉन टीचिंग सबको। एग्जाम्पल में फिट हो गया तो साथ के साथ बता दिया, तो अब उनके लिए मस्ट है ये कि वो हरियाणवी ना बोले, क्योंकि बदले में क्या देना पड़ेगा, नहीं तो फाइन। इस बच्चे के लिए मस्ट क्यों हो गया? इसके लिए है सजा। अब बात आती है हिंट का क्या मतलब है मैम, फिर पनिशमेंट आराम से दिखेगी, फाइन आराम से दिखेगा, हिंट कैसे पता लगेगा? हिंट का मतलब है उसने कह दिया, इफ यू हैव स्टमक एक, क्या है आपके पेट में दर्द है, यू डैश नॉट ईट बर्गर। अगर पेट में पहले से गड़बड़ी है भाई तो बर्गर मत खाओ, सलाह नहीं है, मजबूरी है आपकी ना खाना, क्योंकि हिंट दे रखा है पेट में गड़बड़ है। एक सेंटेंस आया था एसएससी में, गले का कैंसर है, फादर को सेंटेंस बना रखा था, पापा को क्या है, गले का कैंसर, उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्या लगाएंगे? तो हिंट दे रहा है ना वो, गले का कैंसर बोल के उसने क्या दिया हमें, हिंट दिया है कि मजबूरी है भाई, आप कर ही नहीं सकते हो। तो आपको अपना सेंटेंस समझ में आना चाहिए बेटा, अनुभव दिखाए तो आंसर शुड, नैतिकता दिखाए तो आंसर ought to, और जहां भी मजबूरी दिखाए, मजबूरी कैसे दिखेगी, तीन तरीके से, या तो हिंट से, समझ गए हिंट का मतलब, फाइन से, या फिर पनिशमेंट से। एक लाइन आप बचपन से सुनते आ रहे हो, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कभी इसमें शुड सुना है? नहीं तो ये तो नैतिकता भी हो सकती है भाई, शुड क्यों नहीं है इसमें, मस्ट ought to क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि चलान भी है और जेल भी है। ना मानने की अवस्था में चलान कटता है, चलान ना भरने की अवस्था में जेल का भी प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो ये नैतिकता भी है भाई, अपना अपना बचाव दूसरे का बचाव, मस्ट नहीं ऑट टू लगाओ, क्योंकि ट्रैफिक की बातें मानना तो नैतिक शिक्षा भी है, नहीं है, क्योंकि बदले में फाइन का भी प्रावधान है, बदले में सजा का भी प्रावधान है, और जहां पे भी फाइन या सजा जुड़ जाती है वो ऑट टू नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, मस्ट। मैं ये नहीं कह सकती रोज अपने मम्मी पापा के पैर छुआ करो नहीं तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा तो फिर वो ऑट टू रहेगा ही नहीं, वो किस में बदल जाएगा, मस्ट में। क्या हमें बातें समझ आ गई, क्या हम श्योर हैं?